मैं मेगा कंसल यहाँ पे आज सभी के सामने जो वीडियो लेकर आई हूँ वो सिंबल से रिलेटेड है। जो आज अभी परिस्थिति है तो उस परिस्थिति में हम सबको फाइट करना है, तो उसके लिए कुछ ऐसी हीलिंग मोडालिटीज़ में सिंबल होते हैं जिसके थ्रू हम इजीली अपने आप को प्रोटेक्शन में डाल सकते हैं, अपनी फैमिली को प्रोटेक्शन में डाल सकते हैं। तो ये जितने भी सिंबल्स मैं आपको अभी देने वाली हूँ, पहला तो आप ये सारे सिंबल्स जो भी आप वाटर पी रहे हैं, जो भी आप पानी पी रहे हैं उसके ऊपर आप ये ड्रॉ कर सकते हैं ये सिंबल्स, या फिर आप अपनी फैमिली को अगर वो पानी दे रहे हैं तो आप एक अपना मयूर जग या फिर बड़े से लोटे में उसको पूरे वाटर को ब्लेस कर सकते हैं इन सिंबल्स की सहायता से, या फिर जो आपका नहाने वाला पानी है उसके अंदर भी आप ये सिंबल डाल सकते हैं। जैसे बकेट है तो उसके ऊपर आप ये सिंबल डालिए और आप उस वाटर को ब्लेस करिए। एंड जो भी मैं आपको सिंबल्स के साथ साथ जो भी चीज़ें बताऊँगी वो आप इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। तीसरी बात, ये सिंबल कौन कौन ड्रॉ कर सकता है? कोई भी व्यक्ति जिसको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है या जो भी अपनी बॉडी को अपनी फैमिली को हील करना चाहता है वो इन सिंबल्स का इस्तेमाल कर सकता है। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर बात आती है कि क्या इन सिंबल्स को इस्तेमाल करने के लिए किसी तरीके की अट्यूनमेंट की ज़रूरत है? नॉट एट ऑल, ये एंजेलिक सिंबल्स हैं, आप विदाउट एनी अट्यूनमेंट इसको यूज़ कर सकते हैं और यूज़ करने पे ही आपको इसके रिजल्ट्स भी देखने को मिलेंगे। तो चलिए यहाँ पे मैं शुरू करती हूँ, आपको सबसे पहले सिंबल से ड्रॉ करना सिखाती हूँ। सबसे पहले तो हाथ जोड़कर प्रार्थना कर लीजिए, सारे एंजल्स देवी देवता को प्रणाम करके बोलिए कि आई नीड योर हेल्प, आई नीड योर ब्लेसिंग्स, प्लीज़ गाइड मी एंड गिव मी अ हीलिंग। इस तरीके से आप अपनी भाषा में उसका इस्तेमाल करके सबसे पहला आप जो सिंबल बनाएंगे दैट इज़ प्योरिटी। प्योरिटी सिंबल आपको कुछ इस प्रकार से बनाना है। ये प्योरिटी सिंबल है, ये जो प्योरिटी सिंबल आप बनाएंगे फ्रेंड्स, तो आपको ये इमेजिन करना है कि यू आर प्योरीफाइंग योर ऑरा, यू आर प्योरीफाइंग योर ऑल द चक्रास। तो ये प्योरिटी का जो सिंबल है, जब आप इस प्योरिटी के सिंबल का फ्रेंड्स यूज़ करेंगे तो इसमें आपको समझ आएगा कि ये प्योरिटी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, टू प्योरीफाई योर ऑरा, योर एवरीथिंग। इसके बाद जो हम दूसरे सिंबल का इसमें इस्तेमाल करेंगे वो है बैलेंस। यहाँ पर बैलेंस का सिंबल हम कुछ इस प्रकार से ड्रॉ करेंगे फ्रेंड्स। बैलेंस का मतलब हम सभी जानते हैं कि हम अपने अंदर की जितनी भी क्रियाएं हैं उन सबको संतुलित कर रहे हैं, हम अपने चक्रास को संतुलित कर रहे हैं। क्योंकि जब हमें कोई हेल्थ इश्यू आता है वो तभी आता है जब हमारे जो चक्रास हैं वो डिसबैलेंस हो जाते हैं। तो ये बैलेंस के सिंबल को इस्तेमाल करने के लिए हम सिर्फ बैलेंस के सिंबल को ड्रॉ करेंगे। इसके बाद जो थर्ड सिंबल है जो हम ड्रॉ करेंगे दैट इज एक्सेप्टेंस ऑफ ऑप्टिमम हेल्थ। इस सिंबल को हमें किस प्रकार से ड्रॉ करना है, कुछ इस प्रकार से हमें इसको लेके जाना है। ये हमारा एक्सेप्टेंस ऑफ ऑप्टिमम हेल्थ का सिंबल है कि हम ईश्वर से ये कामना कर रहे हैं कि हमारी जो हेल्थ है वो परफेक्ट है और बेस्ट है। हम एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमारी जो हेल्थ है वो परफेक्ट जा रही है और उसमें किसी प्रकार की कोई भी खामियां या कमी नहीं है। इसके बाद जो नेक्स्ट सिंबल हम इस्तेमाल करेंगे वो हीलिंग का सिंबल इस्तेमाल करेंगे, जो कि कुछ इस प्रकार से बनता है फ्रेंड्स। इस हीलिंग सिंबल को बनाने का तात्पर्य है कि हम अपनी बॉडी के उन पोर्शन को हील कर रहे हैं जिन्हें हीलिंग की ज़रूरत है। अगर आपके गले में खराश है या आपको कहीं पेन हो रहा है बॉडी में, कहीं पे भी किसी भी चक्रा को हील करने की ज़रूरत है, तो आई एम यूजिंग दिस सिंबल टू हील वट एवर इज द रिक्वायरमेंट। जहाँ पर भी मुझे हीलिंग की ज़रूरत है मैं इस सिंबल के माध्यम से अपने उस बॉडी के पार्ट को या उस चक्रा को हील कर रही हूँ। इसके बाद जो मैं नेक्स्ट यूज करूंगी सिंबल दैट इज रिलीज। रिलीज को हम इस प्रकार से ड्रॉ करेंगे। रिलीज सिंबल को यूज करने का तात्पर्य है फ्रेंड्स कि मेरे शरीर में जितनी भी नकारात्मक शक्तियां हैं या कुछ भी नकारात्मक मेरे थॉट्स हैं, सोच हैं, या जो मुझे डर लग रहा है, मेरे फियर्स हैं कि कहीं मैं बीमार तो नहीं हो जाऊंगी, कोरोना वायरस से मैं पीड़ित तो नहीं हो जाऊंगी, तो ऐसी सारी नकारात्मक जो भी हमारे डर हैं, थॉट्स हैं, उन्हें रिलीज करने के लिए मैं इस रिलीज सिंबल का इस्तेमाल करूंगी। इसके बाद फ्रेंड्स, ये जो मेरा सिक्स्थ सिंबल है ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहें तो इसे आप अवॉइड भी कर सकते हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि ये जो घड़ी है
यहाँ इस समय पर हमें बहुत धैर्य रखना है। तो ये है पेशेंस का सिंबल फ्रेंड्स, जो कि कुछ इस प्रकार से आपको ड्रॉ करना है। इस घड़ी में हम सभी को पेशेंस रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आप सभी घर के अंदर हैं। हो सकता है कि आपके ऊपर घर का लोड ज़्यादा बढ़ गया होगा, आप वर्क फ्रॉम होम भी कर रहे होंगे और साथ में घर की एक्टिविटी भी आप कर रहे होंगे। तो ऐसी सिचुएशन में आपको धैर्य रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और आप चूंकि घर से बाहर भी नहीं निकल रहे हैं तो उसके लिए भी आपको धैर्य रखने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। तो पेशेंस का सिंबल हम इसलिए इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट जो सिंबल आता है वो भी सिंबल ऑप्शनल है, आप चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं, ना चाहें तो इसको आप अवॉइड कर सकते हैं। ये सिंबल है विजडम का सिंबल। तो फ्रेंड्स, ये विजडम का जो सिंबल है ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि इस समय हमें बहुत ही समझदारी से, बहुत ही सूझबूझ से एक एक कदम फूंक फूंक के रखना है। अगर हम बाहर जा रहे हैं तो हम सूझबूझ समझदारी से ही हम बाहर कदम रखें। जब बिल्कुल रिक्वायरमेंट ऐसी हो कि भाई नहीं निभ सकती, तो इस समय पर खासकर गृहिणियों को इस सिंबल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसके बाद जो नेक्स्ट सिंबल आता है दैट इज हैप्पीनेस। ऑफ कोर्स जब आप घर में हैं, अपने परिवार के साथ हैं, तो ये जो समय है इंजॉय करने का भी है और उन खुशियों को महसूस करना है जो खुशियां इस समय पर विलुप्त हो गई हैं, क्योंकि हम अपने दिनचर्या में इतने बिजी रहते हैं कि हमें ध्यान ही नहीं रहता कि परिवार क्या है, परिवार का प्यार क्या है, उसके साथ हमें कुछ समय बिताना है। तो ये हैप्पीनेस का सिंबल आपको ये कठिन परिस्थिति, ये जो कठिन समय है, इसको काटने के लिए आपको खुशियां देगा, और आपको ये जो समय इतना मुश्किल लग रहा है वो खुशी खुशी आपका निकल जाएगा। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट सिंबल आता है फ्रेंड्स, वो ब्लेसिंग्स का सिंबल है, जो कि कुछ इस प्रकार से बनता है ब्लेसिंग्स का सिंबल। यहाँ मैं उन सारे देवी देवताओं की, जैसे आर्क एंजल माइकल की प्रोटेक्शन में ब्लेसिंग्स ले रही हूँ, उन सारे देवी देवताओं की ब्लेसिंग्स ले रही हूँ जिनकी मुझे ज़रूरत है। मुझे लॉर्ड हनुमान की ब्लेसिंग्स की ज़रूरत है ताकि मुझे प्रोटेक्शन मिले। मुझे लॉर्ड सन की इस टाइम ज़रूरत है क्योंकि उनसे मुझे इम्यूनिटी मिलेगी, मेरी हाई इम्यूनिटी की पावर बढ़ेगी। तो इसलिए मैं ये जो मेरा सिंबल है ब्लेसिंग्स का, इसको मैं इस्तेमाल करूंगी। इसके बाद फ्रेंड्स जो ये सेकंड लास्ट सिंबल है दैट इज वर्ल्ड पीस। हम सभी जानते हैं कि इस समय पूरे विश्व में हाहाकार मचा हुआ है, पूरे विश्व में लोग इस महामारी से पीड़ित हो रहे हैं। तो हमें पूरे संसार को पीस में कन्वर्ट करना है, जिसके लिए हम अपने साथ साथ इस पूरे वर्ल्ड के लिए भी हम पीस की प्रार्थना करेंगे। ये सिंबल कुछ इस प्रकार से हमें बनाना है फ्रेंड्स। इसके बाद जो लास्ट सिंबल है फ्रेंड्स, 11 सिंबल का कॉम्बिनेशन, दैट इज ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड का मतलब है हम यहाँ पर ईश्वर को ग्रेटिट्यूड प्रकट करेंगे कि हे ईश्वर, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, तूने हमें ऐसा समय दिया कि हम अपने परिवार के साथ बैठे हैं, समय व्यतीत कर रहे हैं, अपने बच्चों के साथ समय व्यतीत कर रहे हैं, हम अपने घर की सारी जिम्मेदारियाँ खुद से समझ रहे हैं, अन्न की क्या इम्पॉर्टेंस है हम वो समझ रहे हैं, क्योंकि जब हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड होती हैं तो हमें उसकी वैल्यू पता चलती है फ्रेंड्स। तो आज उस ईश्वर का धन्यवाद करना है, उसको हर परिस्थिति में ग्रेटिट्यूड प्रकट करना है कि हम प्रोटेक्टेड हैं, हम सेफ हैं और हम बहुत ही खुश हैं अपने परिवार के साथ। तो ग्रेटिट्यूड का सिंबल बोलते समय आप कुछ ऐसी अफर्मेशंस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आई हैव अ स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम, आई एम फिट, फाइन एंड हेल्दी, एंड आई हैव अ स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस पावर, आई हैव प्रोटेक्टेड माई फैमिली थ्रू ऑल दीज सिंबल्स। एंड इस तरीके से आप इमेजिन करके पर्पल कलर की लाइट में आप अपनी फैमिली को, या फिर पर्पल कलर की लाइट से उस वाटर को आप फिल कर सकते हैं फ्रेंड्स। हालांकि मैंने आपको ये जो 11 सिंबल बताए हैं, ये बहुत सारे सिंबल्स हैं। ये प्योरिटी का सिंबल है, ये बैलेंस का सिंबल है, ये एक्सेप्टेंस ऑफ ऑप्टिमम हेल्थ है, ये हीलिंग है, ये रिलीज का सिंबल है, ये पेशेंस का सिंबल है, ये विजडम का सिंबल है, ये हैप्पीनेस का सिंबल है फ्रेंड्स, उसके बाद ये ब्लेसिंग्स का सिंबल है, ये वर्ल्ड पीस का सिंबल है, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये हमारा ग्रेटिट्यूड का सिंबल है। अगर आप सभी इतने सारे सिंबल्स को देख के कन्फ्यूज हो गए हैं, तो आप सिर्फ प्योरिटी के सिंबल को, बैलेंस के सिंबल को, एक्सेप्टेंस ऑफ ऑप्टिमम हेल्थ के सिंबल को, हीलिंग के सिंबल को,
रिलीज के सिंबल को, हैप्पीनेस के सिंबल को, ब्लेसिंग्स के सिंबल को और ग्रेटिट्यूड के सिंबल को आप इस्तेमाल कर सकते हैं फ्रेंड्स। इसे आप अपनी पेन डायरी में कहीं पे भी नोट कर लीजिए इन सारे सिंबल्स को। मैं जानती हूँ थोड़ा सा मुश्किल होगा आप सभी को याद करने के लिए, लेकिन कुछ सिंबल्स तो ऐसे हैं जो आपको यूज करने ही करने हैं। जैसे प्योरिटी है टू प्यूरिफाई योर ऑरा, बैलेंस का सिंबल है टू बैलेंस योर ऑल द चक्रास, एक्सेप्टेंस ऑफ ऑप्टिमम हेल्थ, हीलिंग सिंबल, ये तो आप जरूर यूज करिए, और रिलीज सिंबल टू रिलीज योर ऑल द नेगेटिव थॉट्स। तो फ्रेंड्स इसके लिए आपको किसी अट्यूनमेंट की जरूरत नहीं है। घर बैठे हुए जो भी पानी आप पी रहे हैं जस्ट उसको आप 2 मिनट दीजिए, आप इस सिंबल की थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिए, आपको याद हो जाएंगे ये सिंबल्स, बहुत ही ईजी हैं। प्यूरिटी सिंबल को ड्रॉ करिए और प्यूरिटी 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 ऐसे बोल के अपने हाथों से ड्रॉ करिए, एयर में ड्रॉ करिए, तो बहुत ही इजी है और बहुत ही अच्छे से आप इसे ड्रॉ करके अपनी फैमिली को, खुद को प्रोटेक्ट भी कर पाएंगे और पॉजिटिविटी के साथ आप भर भी पाएंगे। फ्रेंड्स आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आएगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप इसे फॉरवर्ड करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फायदा उठाएं और इन सिंबल्स को यूज़ करके जो हमारी हीलिंग की एनर्जी है उससे हम पूरे वर्ल्ड को और खुद को बचा सकें। थैंक यू फ्रेंड्स।